हाय एवरीवन, वेलकम टू वीएस टॉपेड। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही क्लासिक और पावरफुल ओल्ड स्कूल रूटीन। मैंने पहले जनरली नहीं देखा है कि इंडियन यूट्यूब में ये वाला वर्कआउट डिस्कस हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसे बहुत वर्कआउट्स हैं। जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम वर्कआउट जो होंगे वीवीएस स्ट्रॉन्ग मेंबर्स के लिए होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए यानी नॉन मेंबर्स के लिए भी मैं ऐसे बहुत अमेजिंग वर्कआउट्स लेकर आऊंगा। जो विंस गिरोंडा का 10-8-6-15 फ्लशिंग सेट रूटीन है, इसका मतलब ये होता है, बेसिकली आपने भी अभी देखा होगा लेटेस्ट ये जो FST7 वगैरह वर्कआउट्स आप करते हैं, ये सब सिमिलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है कि एक हैवी इंटेंसिव वर्कआउट के बाद हम लास्ट में जो है एक हाई रेप सेट करते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस है, कोई कहता है इससे फैस्चिया स्ट्रेस होता है, कोई कहता है कि इसमें जो आपका ब्लड है, जब मसल्स फटीग हो चुकी है तो हाई रेप करने से सडनली बहुत हाई अमाउंट ऑफ ब्लड, जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है, वो मसल्स में जाता है इसी टाइम जब वो मसल फटीग हो चुकी थी, और सिर्फ जो है फर्दर उसकी एंड्योरेंस बनाने में हेल्प करता है और आपकी कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कोई भी आप रीजन ले सकते हैं, लेकिन आप ये समझ के करिए कि बहुत ही पावरफुल इंटेंसिव वर्कआउट है जो आप एज अ चेंज, एज अ चैलेंज कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग वर्कआउट अगर आप ध्यान से देखें तो। हमने करना क्या है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये इंटरमीडिएट एडवांस दोनों कर सकते हैं। रेपिटेशन जो है किस तरह लेनी है और वेट है वो डिफर करेगा, क्योंकि अगर मैं 6 रेप मैक्स की बात करूं तो एक एडवांस एथलेट के लिए जितना अमाउंट ऑफ वेट उसके लिए 6 रेप मैक्स होगा, एक इंटरमीडिएट के लिए नहीं होगा। इसलिए मेन वुमेन ये दोनों वर्कआउट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ वेट लिफ्टेड में डिफरेंस आएगा, वो इंडिविजुअली डिसाइड होता है, वो कोई भी आपको बता नहीं सकता, आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं रेप रेंज की बात करता हूं, यानी 10 रेप 8 रेप 6 रेप 15 रेप 10 8 6 15, तो आपने जितनी एक्सरसाइजेस हैं उसमें यही रेप रेंज करनी है। यानी पहला सेट 10 रेप से रहेगा, सेकंड सेट 8 रेप, थर्ड सेट 6 रेप और लास्ट 15 रेप्स। अगेन जैसा आपको दिख रहा है जो रेप कम होते जा रहे हैं, यानी वेट हैवी होता जा रहा है। अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो पहला सेट होगा वो 50% 6 रेप मैक्स से होगा, यानी वो वेट इतना हैवी होगा कि आप उसे सिर्फ जो है 10 रेपिटेशन ही निकाल पाएं, आपके 6 रेप मैक्स का अराउंड 50%। क्योंकि जब मैं 10 रेप की बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी वेट उठाया और उसे 10 रेप मारे, ये वर्कआउट नहीं है। अगर आप चाहें तो आप पहली जो सेट है या दो सेट है उसे वार्म अप कर सकते हैं, लेकिन 10 रेप विल बी जनरली टू फेलियर। सो 10 रेप मैक्स यानी 10 रेपिटेशंस, नेक्स्ट विल बी 8 रेपिटेशन जो अराउंड 75% 6 रेप मैक्स से करेंगे, थर्ड विल बी 6 रेप्स यानी सिर्फ 6 रेप आप कंप्लीट कर पाए, इतना हैवी होना चाहिए। और इसके इमीडिएटली बाद जो लास्ट सेट होगा वो होगा 15 रेपिटेशन का जो सेट है, यानी हाई रेप सेट जो होगा अराउंड 35% 6 रेप मैक्स से। बहुत ही पावरफुल सेट है, बर्न होगा जबरदस्त आपको, बट दैट इज द एम, यही एम है। 5 डेज पर वीक का वर्कआउट है, हर हफ्ते 5 दिन आपने पूरा वर्कआउट करना है। 3 दिन अपर बॉडी रहेगा, 2 दिन लोअर बॉडी रहेगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यानी ऑल्टरनेट डेज पे हम अपर बॉडी वर्कआउट करेंगे, जिसमें जो अपर बॉडी है उसके लिए ये एक्सरसाइजेस हैं। पहली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। जनरली विंस गिरोंडा बेंच प्रेस नहीं करते थे, वो नेक प्रेस करा करते थे, बिकॉज उनका बिलीव ये था कि बारबल बेंच प्रेस चेस्ट से ज्यादा शोल्डर्स को एक्टिवेट करता है, जो कहीं हद तक सही भी है, लेकिन आप जो है बेंच प्रेस या डंबल प्रेस में से कोई भी कर सकते हैं। रेप रेंज अगेन 10-8-6-15। उसके बाद लैट पुल डाउन फॉर बैक, बारबेल अपराइट रो फॉर शोल्डर्स, डंबल पुलओवर्स एंड डंबल कर्ल्स। ये जो एक्सरसाइजेस हैं अपर बॉडी की, सब में सेम रेप रेंज रहेगी। सिमिलरली जब लोअर बॉडी की बात करते हैं तो हफ्ते में 2 दिन करेंगे हम ऑल्टरनेट डेज, यानी ट्यूजडे एंड थर्सडेज को, और इसमें जो एक्सरसाइज रहेंगी उसमें रहेगा हील रेस स्क्वाट्स। अगेन विंस गिरोंडा जैसे मैंने बताया था, वो बारबेल स्क्वाट के थोड़े से एंटी थे, विच वॉज ही वॉज रॉन्ग इन दिस, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हील रेस स्क्वाट्स है आप नॉर्मल बारबेल स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो करना कैसे है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन सिंपल टर्म्स आपके जो हील्स हैं उसके नीचे प्लेट्स रहेंगी, ओके? तो बारबेल से हम कर सकते हैं, आप स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हैं ये हील रेस स्क्वाट 10-8-6-15 के रेपिटेशन से। उसके बाद सिंगल लेग काफ रेज, अगेन सेम रेप रेंज, और फिर रहेगा बारबेल क्वार्टर रोल अप। ये एब्डोमिनल एक्सरसाइज है, इसमें बेसिकली बारबेल को नेक के पास होल्ड करके आप सिर्फ क्रंच की तरह रोल अप करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये भी विंस गिरोंडा की स्पेशलाइज एक्सरसाइज थी, ओके? सो ये जो पूरा का पूरा वर्कआउट है, मैंने कोशिश करी है कि ओल्ड स्कूल वर्कआउट में ज्यादा चेंजेस ना करूं, मैंने एग्जैक्ट वर्कआउट आपके सामने दिया है। जब हम रेस्ट बिटवीन सेट्स की बात करते हैं तो विंस गिरोंडा बहुत लंबे रेस्ट पीरियड्स में बिलीव नहीं करते थे,
और इस वर्कआउट में मुझे कोई एग्जैक्ट जो रेस्ट रूटीन है वो भी नहीं मिला है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 60 टू 120 सेकंड्स का मैक्सिमम रेस्ट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना हैवी लिफ्ट कर रहे हैं। एडवांस के केसेस में हो सकता है ये जो है 2 मिनट तक भी जाए, लेकिन जनरली मैक्सिमम केसेस में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट काफ़ी होगा इस पूरे वर्कआउट में, हर एक एक्सरसाइज के बीच में। धीरे 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 आप इस वर्कआउट में प्रोग्रेशन कर सकते हैं, जो वेट है वो हर हफ्ते एनहांस कर सकते हैं अपनी लिफ्ट्स में, लेकिन जो प्रोग्रेशन है वो स्लो होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ये बताया है कि 1 to 2% का अगर आप प्रोग्रेशन कर पा रहे हैं हर 1 से 2 हफ्ते में, दैट विल बी वेरी वेरी गुड, उतना काफ़ी होता है, वही चैलेंज होता है। सडन जंप नहीं करना है, ना हो पाएगा। ओके, सो ये पूरा वर्कआउट है एक अमेजिंग 10-8-6-15 फ्लशिंग सेट रूटीन, जो विंस ग्रोंडा का ओल्ड स्कूल वर्कआउट है, बहुत क्लासिक वर्कआउट है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये कैसे करना है। आप दोबारा एक्सप्लेनेशन सुनिए, दोबारा वीडियो देखिए, और अब हम इस सारे के सारे वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। ऑफ कोर्स मैं एग्जैक्ट वर्कआउट जो है सारी रेप्स और रेंज नहीं करूंगा, उतना हैवी नहीं जाऊंगा, मेरा एम रहेगा आपको मूवमेंट्स दिखाना कि आपने कैसे करना है। सो आइए वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। सो गाइस, विंस ग्रोंडा के जो अमेजिंग 10-8-6-15 रूटीन है उसे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको हर वर्कआउट में बताया है कि मैं आपको बेस्ट लिफ्ट्स दिखाने के लिए यहाँ पे वर्कआउट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बेस्ट लिफ्ट्स दिखा के आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरा एम है आपको बेस्ट वर्कआउट कराना। सो एज अ कोच और एज अ मेंटर मैं आपको प्रॉपर मूवमेंट्स दिखाऊंगा कैसे करनी है। सारा वर्कआउट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, क्या परसेंटेज ऑफ वेट लेना है, कैसे अगर आप बिगनर इंटरमीडिएट एडवांस हैं क्या डिफरेंसेस आएंगे, कितना रेस्ट है, क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। दोबारा मैं बेसिक मूवमेंट्स के कैसे परफॉर्म करनी है, राइट मूवमेंट क्या होगी वो आपको बताऊंगा, और कितना रेस्ट वगैरह लेना है वो बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा। सो अब हम परफॉर्म करने वाले हैं 10-8-6-15 रूटीन, जिसमें जो पहला अपर बॉडी रूटीन है जो हफ्ते में 3 दिन रहेगा वो अब हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें पहली एक्सरसाइज आती है वो आती है नेक प्रेस। जैसे मैंने बताया कि विंस ग्रोंडा कुछ बड़ी पेक्यूलियर एक्सरसाइज किया करते थे, लेकिन ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि वो ही आपको करनी है, ना उसमें कोई ऐसी चीज प्रूव हुई है, लेकिन नेक प्रेस इस कन्वेंशनल बेंच प्रेस की तरह ही होता है। लेकिन जो विंस ग्रोंडा थे वो बारबेल को अपनी नेक तक लेके जाते थे इंस्टेड ऑफ चेस्ट, वो हम नहीं करेंगे, हम कन्वेंशनल बेंच प्रेस करेंगे, इफेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, सो फ्लैट बेंच प्रेस में कन्वेंशनल करने जा रहा हूं, बेसिक मिस्टेक्स वगैरह मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि बेंच प्रेस पे पूरा डिटेल जो वीडियो है वो अलग होगा, लेकिन जो बेसिक है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने बताया, जैसे आप बेंच प्रेस मूवमेंट करेंगे, मैंने आपको बताया आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि बेंच प्रेस में कुछ वियर्ड मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो आपको नहीं करनी है। आपकी बैक में डेफिनेटली एक आर्क आएगा, ओके, लेकिन वो आर्क इतना एग्जैजरेटेड नहीं होगा कि बैक पूरी राउंड ही हो गई है या आपकी हिप लिफ्ट हो गए, ये नहीं करना है। अगर आप किसी एडवांस पावर लिफ्टर को देख के कर रहे हैं तो प्लीज डू नॉट कॉपी, मूवमेंट्स ऐसे नहीं होती है। वो किसी रीजन से अगर टेम्पररी कोई ऐसी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इतने एडवांस लेवल पे, वो आपको नहीं करनी है। बेसिक बेंच प्रेस में हिप लिफ्ट नहीं होते हैं, इट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन अ बेंच प्रेस। ओके, आर्क भी नॉर्मल आर्क बनेगी, सुपर एग्जैजरेटेड आर्क नहीं बनानी है बैक में। ऑलराइट, सो वी लाई डाउन इन अ कन्वेंशनल बेंच प्रेस में, मेरे फिट जो फीट है वो पीछे होंगे, पूरे प्लेस ऑन द ग्राउंड, चेस्ट अप। जब आप चेस्ट अप करेंगे, फीट को पीछे करेंगे, ऑटोमेटिकली एक आर्क जो है वो बन जाएगी। ऑलराइट, अब मैंने बारबेल लिया, ओके, टेक व्हाटएवर वेट यू वांट, न्यूट्रल ग्रिप भी ज्यादा वाइड नहीं, ज्यादा नैरो नहीं, एंड आई लिफ्ट। ऑलराइट, स्लो टुवर्ड्स योर निप्पल एंड पुश फ्रॉम योर चेस्ट, अगेन टुवर्ड्स योर निप्पल, पुश फ्रॉम योर चेस्ट, शोल्डर से पुश नहीं करना है, स्लो टेम्पो नीचे, ओके, एंड पुश फास्ट। सो गाइज, ये थी बेंच प्रेस यानी पहली एक्सरसाइज, जिसके आपने 10-8-6-15 रेपिटेशन करने हैं। जैसे मैंने बताया है कि अमाउंट ऑफ रेस्ट जो विंस ग्रोंडा ने बोला है वो तो बहुत ही कम है, कि अराउंड 6 से 7 सिर्फ डीप ब्रेथ्स। लेकिन फॉर यू पीपल माय सजेशन वुड बी, अगर आप हैवियर लिफ्ट करना चाहते हैं तो 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट या 1.5 मिनट्स तक का, यानी 90 सेकंड, और हो सकता है अप टू 2 मिनट्स भी आप रेस्ट चाहें तो ले सकते हैं, अगर वर्कआउट सच में इतना हैवी है। अदरवाइज 90 सेकंड का रेस्ट काफी रहेगा आपको 10-8-6-15 रेपिटेशंस करने के लिए। यानी बारबेल जो बेंच प्रेस मैंने करा, पहले इसमें 10 रेपिटेशंस करेंगे हम, ओके, उसके बाद हम इसमें 8 रेपिटेशंस करेंगे, फिर 6 रेपिटेशन करेंगे जो ऑलमोस्ट 100% आपके मैक्सिमम 6 रेप मैक्स में होगा, उसके बाद अराउंड 35% जो आपका 10 रेप मैक्स वेट है उससे आप 15 रेपिटेशंस करेंगे। तो 10-8-6 ऊपर जाते हुए वेट एंड देन डिक्लाइन टू 15 रेपिटेशन, जो फ्लशिंग सेट्स इनको उन्होंने नाम दिया।
जो सेकंड एक्सरसाइज है अपर बॉडी रूटीन की वो है लैट पुल डाउन। सो गाइस जो सेकंड एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन, मैं उसकी आपको मिस्टेक्स बताता हूँ और मूवमेंट समझा देता हूँ। लैट पुल डाउन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ कि किस पर्टिकुलर मूवमेंट में कैसी एक्टिवेशन होती है, कि आप कौन सी ग्रिप लें उसमें कितनी एक्टिवेशन होगी। हम नॉर्मल कन्वेंशनल जो वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन है वो कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आप ये मूवमेंट करेंगे तो मैंने पहले ही बताया है कि जो नीचे आपकी ग्रिप होगी, जो आपकी थाइस की ग्रिप होगी, जो आप लॉक करेंगे उसमें अपर थाई से लॉक करना है, लोअर थाई से नहीं। क्योंकि जब आप लोअर थाई से करेंगे नी के पास तो क्या होगा, जब वेट हैवी होता है तो ऐसे आप लिफ्ट होते हैं। इसको प्रिवेंट करना होता है लैट पुल डाउन में, इसलिए जो नीचे ग्रिप होती है इसलिए आप अपर थाई को लॉक करेंगे। अब अगर मैं पुल भी होऊंगा तो मेरा हिप पुल नहीं होगा। ऑलराइट, अब परफॉर्म करने के लिए जैसे मैंने बताया है इसको तेज नीचे लेकर आएंगे। ओके, मैक्सिमम जो मेरा एल्बो है पीछे जा रहा है, बैक कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो अप। यहां पे पूरा नहीं छोड़ना है, हल्की सी टेंशन हमेशा रहेगी। एंड एंड स्लो अप। सो गाइस ये था लैट पुल डाउन का 10-8-6-15 रूटीन। काफी टफ रूटीन होगा, ठीक है, परफॉर्म करिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो है शोल्डर के लिए बारबेल अपराइट रो। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है बारबेल अपराइट रो, जिसके 10-8-6-15 आपने रेपिटेशंस करने हैं। ये जो मूवमेंट है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पूरी डिटेल वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। मैं आपको इसमें बेसिक समझा रहा हूं कि इसमें जो मैंने ग्रिप ली है वो एक्स्ट्रा वाइड नहीं है ना एक्स्ट्रा क्लोज, अगर आप चाहें थोड़ी सी क्लोज ग्रिप ले सकते हैं। एंड व्हेन यू डू एन अपराइट रो तो आपकी जो एल्बोज है वो आपके बार के साथ जाएंगी। कई लोग जो है वो अपराइट रो गलत करते हैं, प्लस जो आपका बारबेल है दैट विल बी क्लोज टू द बॉडी, दूर से अपराइट रो नहीं होती। ऑलराइट, स्ट्रेट कुछ मूवमेंट नहीं है। सी, जो मेरे एल्बो है वो कहां जा रहे हैं, अलोंग विद द बार, एक लाइन में है तीनों चीजें, इतना ही हाइट है, देन डाउन। जबरदस्ती ऊपर लेके नहीं जाना है आपको, जहां पे ये तीनों चीजें इन लाइन आई थोड़ा सा देखिए, अगर आप एल्बो ले जा रहे हैं अगेन एक ही लाइन में है तीनों चीजें एंड डाउन। आप चाहे तो ये डंबल से भी कर सकते हैं, केबल से भी, लेकिन जैसे मैंने बताया जब हम ओल्ड स्कूल वर्कआउट्स करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मूवमेंट्स को चेंज ना करें। ओके, सो ये थी थर्ड मूवमेंट जिसके 10-8-6-15 रेपिटेशंस आपने करने। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो ट्राइसेप के लिए उन्होंने दी है पुलओवर्स। पुलओवर्स में ट्राइसेप की एक्टिवेशन होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन स्टिल अगर विंस ग्रोना ने बोला है कि यही मूवमेंट करनी है तो विल स्टिक टू द मूवमेंट, उससे बहुत ज्यादा वेरिएशन में फर्क नहीं आएगा, कोई बहुत एक्टिवेशन में डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी बहुत सारे वर्कआउट्स हैं जिसमें हम ट्राइसेप को कवर अप कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर उन्होंने बोला है पुलओवर्स तो विल स्टिक टू पुलओवर्स। सो गाइस जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल पुलओवर। अब इसमें मैं आपको मूवमेंट करने इसकी मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मैंने अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाया है ताकि आप और डिटेल में मूवमेंट समझ सके, मसल एक्टिवेशन समझ सके, आप वो वीडियो देखिए। फॉर शॉर्ट मैं आपको मूवमेंट समझा देता हूं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डंबल पुलओवर्स होंगे या कोई भी पुलओवर होगा वो क्रॉस बेंच होते हैं। आजकल लोग बेंच के ऊपर स्ट्रेट कर रहे हैं ये सोच के इससे भी इंजरी प्रिवेंशन होगा, ना तो मुझे ऐसी कोई रिसर्च मिली है ना स्टडी मिली है कि स्ट्रेट बेंच में पुलओवर करने से कोई स्पेशल इफेक्ट आ रहा है। जितना भी चैलेंजिंग मूवमेंट होता है रियली और जिसपे रिसर्च हुई है वो सारी क्रॉस बेंचेस पे हुई। ऑलराइट, सो मैं एक नॉर्मल कन्वेंशनल क्रॉस बेंच पुलओवर आपको दिखा रहा हूं डंबल के साथ। ओके, सो जैसे मैंने बताया आपने मूवमेंट लिया जहां पर आपका जो अपर बैक होगा और आपका जो हेड का लोअर एरिया है वो हमेशा बेंच पर रहेगा, ये नहीं लटकेगा नीचे, ये ना नीचे ज्यादा आएगा ऐसे, ये हमेशा बेंच पर रहेंगे दोनों। मैंने डंबल लिया, ग्रिप आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे आप लेते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, मैं ऐसे प्रेफर करता हूं। अब जैसे मैंने बताया कि यहां पर कुछ नहीं है, काफी लोग जो है पता नहीं यहां से यहां कुछ नहीं है पुलओवर्स में, पुलओवर की मसल एक्टिवेशन सिर्फ इतना है, यहां मैक्सिमम स्ट्रेच ये है इसकी मैक्सिमम एक्टिवेशन। सो मैक्सिमम स्ट्रेच एट द बॉटम, होल्ड एंड अप टिल हियर, दैट्स इट। इससे आगे कुछ नहीं है पुलओवर में, कोई मसल एक्टिवेशन नहीं है। आप खड़े रहो ऐसे डंबल लेके, इससे कुछ नहीं होगा, मसल एक्टिवेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। अगेन स्लो होल्ड एट द बॉटम, गेट अप, अगेन स्लो होल्ड एट द बॉटम अप, दैट्स इट। और आर्म्स को अगर आप जबरदस्ती बेंड करके कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं इससे आपको लग रहा है कोई स्पेशल इफेक्ट आएगा, बिल्कुल नहीं है, मसल एक्टिवेशन दोनों केसेस में सेम होती है। बेस्ट तरीका वुड बी जो सेफ्टी फैक्टर को कंसिडर करते हुए है कि आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा बेंड रखना है, एंड देन यू डू अ पुल ओवर एंड अप एंड कीप इट डाउन।
सो गाइज ये थी डंबल पुलओवर्स की एक्सरसाइज, और लास्ट जो एक्सरसाइज है अपर बॉडी की 10x6:15 रूटीन में वो है कन्वेंशनल डंबल कर्ल्स। डंबल कर्ल आप मल्टीपल तरीके से करते हैं, कई लोग ऑल्टरनेट करते हैं, कई उसे एक साथ करते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं उसे कैसे करता हूँ, इससे मुझे हमेशा एक बेटर ग्रिप आती है, मेरा फोकस हमेशा बेटर रहता है। ओके सो व्हाट आई डू इज मैं सिर्फ एक डंबल लेता हूँ एट ए टाइम, राइट, और एक आर्म पे फोकस करता हूँ। तो मैं अपना आर्म से नीचे बेंच को मैंने पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, एंड मैंने अपने यहाँ पे डंबल को रखा जैसे आप नॉर्मल डंबल कर्ल में रखते हैं, थोड़ा सा मेरा बेंच डंबल की तरफ रहेगा। नाउ सेम मूवमेंट जो कन्वेंशनल डंबल कर्ल में होती है, कोई जबरदस्ती एल्बो को आगे नहीं लाना है, कोई स्विंग नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मूवमेंट, स्लो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड इट। यहां पे जब आपको लगेगा कि मुझे फेलियर आ रहा है तो दूसरे हाथ को उठा के आप क्या करेंगे, अगर कोई हेल्प के लिए नहीं है तो क्या करेंगे, यहां पे अगर अटका हल्का सा हेल्प दिया अपने ही हाथ से। ये प्लस पॉइंट रहता है जब आप डंबल कर्ल को सिंगल आर्म से करते हैं, प्लस इस ग्रिप से जो बेंच जब पकड़ेंगे कहीं से भी किसी चीज को पकड़ के करेंगे तो एक ग्रिप जो है वो बहुत जबरदस्त आती है, उससे आपकी एक्टिवेशन बढ़ती है, कोशिश करके देखिए। ओके अनदर वे, दूसरा मैंने लिया, सेम मैंने पकड़ा, बिल्कुल स्लो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, स्लो डाउन, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, स्लो डाउन। सो गाइज ये था सारा अपर बॉडी का 10-8-6-15 रूटीन, वैसे ही आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। सो गाइज जो विंस ग्रोंडा का 10-8-6-15 रूटीन है और जो लोअर बॉडी रूटीन है, इसमें टोटल लोअर बॉडी के लिए सिर्फ दो ही एक्सरसाइजेस हैं, बाकी एक एब्डोमिनल एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे। जो लोअर बॉडी एक्सरसाइज है वो जो विंस ग्रोंडा ने दी है वो दी है स्मिथ मशीन पे हील रेस स्क्वाट, यानी आप हील्स के नीचे प्लेट्स को रखिए, हील्स को रेस करिए और फिर आप स्क्वाट्स करिए। कन्वेंशनल स्क्वाट्स हैं, ऐसे काफी लोग करते भी हैं, इसमें कुछ प्लस और माइनसेस भी होते हैं, उस पर मैं अलग से आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं लोग। हम यही वर्कआउट करेंगे सेम, लेकिन मैं स्मिथ मशीन पे नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि ये वर्कआउट को मैं चेंज कर सकता हूं, वो इसलिए कर सकता हूं क्योंकि विंस ग्रोंडा की जैसे मैंने बताया कुछ गलत बिलीव्स भी थे, उनमें से एक बिलीव था कि वो स्क्वाट्स को लाइक नहीं करते, उनको लगता था स्क्वाट्स करने से हिप बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो लेटर पता लगा था और उसके बाद ये चीज उनकी गलत प्रूव हुई, लेकिन फिर भी वो लेग वर्कआउट काफी ब्रूटल करते थे। ओके बाकी जैसे हैक स्क्वाट्स हो गए, सीसी स्क्वाट्स हो गए, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, उनको वो करते थे, लेकिन हम कन्वेंशनल स्क्वाट ही करेंगे। ओके लेकिन हम हील रेस स्क्वाट करेंगे जैसे उन्होंने बताया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने नॉर्मल अपना एक बाबल लिया, ऑलराइट, और जैसे मैंने बताया कि मैं जो बाबल स्क्वाट्स करता हूं वो हमेशा हाई बार स्क्वाट करता हूं, आप लो बार भी कर सकते हैं। मैंने कन्वेंशनल हाई बार लिया स्क्वाट, ग्रिप को मैंने टाइट पकड़ा, अप एंड आई गो बैक, और जो मेरा ये प्लेट है इसके ऊपर मैंने हील्स रख, आप देख सकते हैं कि जो मेरी हील्स हैं वो इस प्लेट के ऊपर आ रही है। ओके अब स्क्वाट सेम रहेगा, सेम डेप्थ रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, स्क्वाट का स्टैंस भी सेम है, ज्यादा मैंने सुमो स्क्वाट वगैरह नहीं करा है, कन्वेंशनल स्टैंस। अगेन गो डाउन एंड अप, अगेन गो डाउन एंड अप। सो गाइस ये था हील रेस स्क्वाट्स जो विंस ग्रोंडा ने बोले थे कि लेग वर्कआउट में 10-8-6-15 रूटीन में करने। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी वो थी सिंगल लेग काफ रेजेस। अब सिंगल लेग काफ रेजेस आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं आपको स्टेयर के ऊपर करके दिखाता हूं एक डंबल के साथ कैसे करने हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। सो गाइस जो काफ रेजेस हैं, वो जो सिंगल लेग काफ रेजेस हैं, उनको मैं दिखा रहा हूं कि डंबल के साथ यानी वेटेड कैसे करना है। जो बिगिनर्स वगैरह है वो इसे बिना वेट के भी कर सकते हैं। स्टेयर्स पे करना सबसे आसान रहता है, कैसे, आपने एक हाथ से स्टेयर को पकड़ा, दूसरे में डंबल लिया और आपने अपने काफ को रेज कर लिया, एक सिंगल जो लेग है उस पर आप आ गए, बट मूवमेंट सेम रहेगी, कैसे, पूरा नीचे स्ट्रेच, ऊपर एक्सप्लोर अप होल्ड, स्लो डाउन, पूरा नीचे स्ट्रेस, ऊपर एक्सप्लोर, अगेन पूरा नीचे स्ट्रेस, ऊपर होल्ड। इसी तरह फिर आप डंबल को चेंज कर सकते हैं और दूसरे आप काफ को वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल काफ की जो मूवमेंट है वो है 10-8-6-15 रूटीन, विच इज वेरी टफ। जब तक आप काफ का पूरा वर्कआउट खत्म करेंगे ये, तो काफ में काफी ज्यादा आपका बर्न होगा। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है क्वार्टर रोल अप विद अ बारबेल। बड़ी पेक्यूलियर सी एक्सरसाइज है, एब्डोमिनल की ओल्ड स्कूल कंसेप्ट है, कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसा विंस ग्रोंडा ने बताया है मैं वैसा ही करके आपको दिखाऊंगा ये कैसे होता है। सो गाइस जो लास्ट एक्सरसाइज है फॉर 10-8-6-15 का जो लोअर बॉडी रूटीन है वो है एब्डोमिनल एक्सरसाइज, लेकिन एक टिपिकल क्रंच वर्कआउट किया करते थे विंस ग्रोंडा, जिसे कहते थे क्वार्टर क्रंच। अभी क्वार्टर क्रंच कैसे करना है, बेसिकली आपने एक बारबेल लिया, ओके आई विल शो यू,
आपने नॉर्मल कन्वेंशनल बेंच प्रेस मूवमेंट में आप बेंच प्रेस पे लेट गए, ऑलराइट। अब ये जो बारबेल है इसको आपने क्या करा, इसको हेवी नहीं लेना है, इट शुड बी अ लाइट बारबेल, क्योंकि वर्कआउट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने इसको अपने नेक के पास होल्ड करा, ओके, यानी बिल्कुल एट योर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट यहां पर इसको होल्ड करा। आप देखिए कितना ऊपर है, ऑलमोस्ट योर नेक। अब कन्वेंशनल पोजीशन में आपने क्या करना है, आपने क्रंच कितना रोल करना है, लेकिन सिर्फ उतना ही रोल करना है कि आपका जो अपर बैक है वो लिफ्ट करे, यानी दैट्स इट। सी, इससे ज्यादा आ भी नहीं पाएंगे। अगेन डाउन एंड सिर्फ अपर बैक लिफ्ट, अगेन। तो गाइस बहुत अमेजिंग वर्कआउट है, करके देखिए, एक्सरसाइज जो है बहुत पावरफुल है। उतना ही एक्चुअली में भी आपका जो मूवमेंट है वो होगा ही उतना, बारबेल के साथ कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, धीरे 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 स्ट्रेंथ बढ़ाइए, सडनली हेवी बारबेल नहीं लेना है इसमें, फोकस क्रंच मूवमेंट पे करना है और 1/4 जितना रोल हो रहा है उतना ही करना है, तभी इसे कहते हैं क्वार्टर क्रंच, यानी 1/4 क्रंच। तो ये था लास्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी 10-8-6-15 रूटीन जो विंस गिरौंडा का है। तो आपने देखा कि मैंने आपको पहले अपर बॉडी दिखाई, फिर लोअर बॉडी, अब आप जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है इस वर्कआउट को परफॉर्म करिए, बहुत पावरफुल वर्कआउट है, अमेजिंग वर्कआउट है, ओके, पूरा वीकली वर्कआउट है, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के दी हुई है, आप वर्कआउट परफॉर्म करिए, मुझे बताइए कैसा लगा, कोई इशू आता है, कोई क्वेश्चन आता है, प्लीज कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।